गाइस वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 में आज के दिन 0.22% तक की गिरावट देखने को मिली है। जहां इसकी ओपनिंग 25,250 पे थी, वहीं इसने हाई 25,275 का बनाया। जैसे ही मार्केट का टाइम क्लोजिंग पे आया, वैसे ही ये 25,144 रुपए के प्राइस पे क्लोजिंग देखने को मिली है। गाइस आपको पता है आज के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से हल्का फुल्का सा प्रेशर था। दूसरा आप ये कह सकते हो यूएस मार्केट की तरफ से, यूरोपियन मार्केट की तरफ से भी प्रेशर बना हुआ था। गाइस निफ्टी बैंक में वही आज के दिन 0.11% तक की माइनर सी तेजी देखने को मिली। जहाँ पिछले 5 दिन से इसके अंदर गिरावट का सिलसिला जारी था, बट अब हल्का फुल्का सा आप कह सकते हो। आप ये देखोगे कि 3 तारीख को बहुत तगड़ा फॉल आया था, मतलब ऊपर तो गया लेकिन उसके बाद इधर आप गिरावट देखिए, एकदम से बहुत ऊपर जाकर, मतलब यहाँ पर लगभग 51,689 से सीधा यहाँ पर गिर गया था 51,325, मतलब बिल्कुल मोटा मोटा 300-350 पॉइंट गिरा था। देन फिर से यहाँ से रिकवरी देखने को मिली हल्की फुल्की से माइनर से, वही आज के दिन हमें ये देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने की बात करोगे तो इसके अंदर 2.73% तक की तेजी देखने को मिली है। जहाँ गाइस निफ्टी बैंक की एक्सपायरी कल थी वेनसडे को, वहीं निफ्टी 50 की एक्सपायरी हमें आज देखने को मिली, जिसका एक हल्का फुल्का प्रेशर हमें अपने मार्केट में देखने को मिला। मे बी आपके पोर्टफोलियो में भी एक नेगेटिव प्रेशर तो देखने को मिला होगा। फिलहाल तो गाइस आप देखोगे BSE स्मॉल कैप में आज से 0.58% तक की तेजी थी। इसने हाई 56,771 बनाया, तो वहीं 52 वीक हाई भी सिर्फ 56,771 देखने को मिला। बहुत बढ़िया इसके नंबर्स देखने, मतलब आप क्या कह सकते हो, रिटर्न देखने को मिले आज के दिन। वहीं मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी 0.28% तक की तेजी देखने को मिली और हाई से 49,337 बनाया, जिसका 52 वीक हाई भी 49,337 बना। सो गाइस वैसे निफ्टी 50 में प्रेशर की वजह से आज के दिन स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन जब कल के दिन मार्केट गिरी थी बिल्कुल, तो जो एक प्रेशर था जिसका आपको रीज़न पता है, जापान की वजह से यूएस की मार्केट गिरी, यूएस की मार्केट की वजह से हमारी मार्केट गिरी, तो एक प्रेशर था, तो वो मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखने को मिला था। वहीं अगर आप देखोगे निफ्टी 50 के, अगर मैं कैंडल चार्ट पे आप लोगों को दिखाऊं, तो देखिए 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है एंड 4 तारीख को गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जिसकी वजह से देखो जब भी मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो वो ऊपर की तरफ मूव जरूर करता है, ठीक है। जहां इसने 25,240 तक पहुंचा था, लगभग 240-270 तक पहुंचा था, लेकिन फिर उसके बाद फिर से इसके अंदर प्रेशर देखने को मिला और आज के दिन जिसके अंदर 25,144 पे क्लोज हुआ है। गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसमें हल्का फुल्का सा बुलिश बन गया, मतलब वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऊपर की तरफ वो मूव करेगा ही करेगा, लेकिन जहाँ मार्केट की गैप अप ओपनिंग होती है वहाँ वो नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ वो बैक मारता है, ठीक है। ये एक चीज़ आप हमेशा नोट करके चलना, जब भी गैप अप ओपनिंग होती है मार्केट हल्का सा नीचे जरूर टच करती है, लेकिन जैसे गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट ऊपर की जरूर ऊपर की तरफ भी टच करती है। अब आप कहोगे कि हर बार यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है, ये तो ऊपर ही गया, लेकिन गाइस आपने नोट नहीं किया, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आया, देन अब आप देखो यहाँ नीचे इस तरह दोबारा देखने को मिला था, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने को मिली। तो ये एक मैंने आपको बताया, बाकी चार्ट पैटर्न अगर आप लोगों को पढ़ना आता है तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी इसका जो चार्ट पैटर्न जो बोल रहा है, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो इसमें एक बुलिश बन ही है, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ईजी, आप यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। देखो मतलब मार्केट का सिनेरियो अभी ऊपर की तरफ ही है। एक बहुत अच्छी बात तो ये है कि अभी लगभग 2 सितंबर के आसपास इसका RSI 74 पे पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे गिरा है और ये आ गया है लगभग आप देखिए 40 रुपए के प्राइस के आसपास। तो यहाँ से फिर से मार्केट में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है, फिर से ये 25,500 के आसपास जा सकता है, इसका नियरेस्ट टारगेट बता रही हूँ मैं आपको। अब आप कहोगे आप ऐसे कैसे बता रहे हो, चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के जैसे कि लोग देखिए जिन्होंने इंडेक्सेस में इन्वेस्ट किया है ना, एक तो उनको एक चीज़ की बड़ी खुशी है कि अरे कभी इंडेक्सेस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए, तो वहीं इंडेक्सेस ने कल के दिन काफ़ी लोगों के जो रिटर्न्स है वो एक बराबर कर दिए। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसमें फिब रिट्रेसमेंट लगाते हो
तो फिर रिटेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप नियरेस्ट ये कहाँ तक इसका टारगेट लेकर चल सकते हो, ठीक है। नियरेस्ट बता रही हूँ मैं, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये बात है। तो लगभग आप देखिए, वैसे तो कहा जाता है जैसे ये 25,223 का एक लेवल है, ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस आता है 25,304 का आ रहा है। एंड गाइस अभी फिलहाल 25,333 का एक रेजिस्टेंस जो बनता है, लेकिन आपका नियरेस्ट इंडेक्सेस में टारगेट होना चाहिए 25,435 का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 25,500 तक जा सकता है। सो आपको नियरेस्ट अगर अश्योर वाला टारगेट लेकर चलना है वो फिब रिट्रेसमेंट फिब एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली 25,435 का आप टारगेट लेकर चल सकते हो, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो ना मंथ के तौर पे। क्योंकि देखिए 1 आवर के चार्ट में मैं आपको बता रही हूँ, और बहुत जल्दी इसके अंदर मुझे तो लगता है डाइवर्जेंस बनने वाला है। डाइवर्जेंस के तौर पे देखूँ तो गाइस आप नोट करिएगा, अभी ये देखिए ऊपर की साइड है और अभी ये भी ऊपर की साइड है, हल्का फुल्का सा और नीचे आएगा ये यहाँ पर या फिर यहाँ पर बॉटम में डाइवर्जेंस बनाने वाला है, ठीक है। बट और यहाँ अगर आप नोट करोगे ऊपर अबव में डाइवर्जेंस नहीं है, वो कैसे, अगर मैं इस वाइट यहाँ से इसको यूँ ड्रॉ करूँ, ये देखिएगा, ठीक है, और सेम मैं अगर यही लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ ट्रेंड लाइन इसके अकॉर्डिंगली, तो आप ये देखिए दोनों नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं। हाँ लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड में आप ये कह सकते हैं यहाँ की तरफ डाइवर्जेंस बन रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर आप नोट करो तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ वो कैसे, इस लाइन को मैंने यूँ लिया, ठीक है, और वहीं सेम मुझे एज इट इज़ यहीं से ही यहाँ पर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। अब एक चीज़ आपको क्लियर हुई कि डाइवर्जेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सो गाइज यहाँ पर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन हल्की सी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है, इट मीन्स बॉटम में डाइवर्जेंस है। तो नियरेस्ट टारगेट आपका 25,400 से लेकर 25,450 तक का होना चाहिए, ठीक है, 25,400 से लेकर 25,450 तक का होना चाहिए, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। अब एक चीज नोट करो, ADR को अगर नोट करोगे तो इन्फोसिस का ADR में काफ़ी थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है, ICICI बैंक में भी मिली है, HDFC में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। आपको पता है HDFC बैंक कितना वेटेज गेन करता है निफ्टी का, अगर कम से कम लगभग 14-15 करता है और 9-10 करता है वेटेज गेन रिलायंस इंडस्ट्री, तो इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है निफ्टी पर हमारे, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे विप्रो थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, मेक माई ट्रिप में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी है, तो उसमें हो सकता है शेयर मार्केट तेजी देख कम जाए। ADR पॉजिटिव रहा है, यात्रा ऑनलाइन। सो गाइस रिलायंस इंडस्ट्री का देखोगे तो लगभग गिरा है, हल्का फुल्का माइनस से गिरावट देखने को मिले, मतलब यहाँ अगर आप देखोगे तो। सो ये तो हमारे फ्यूचर्स रिफ्लेक्शन थे। वहीं अगर थोड़ा सा US के मार्केट पर नजर डालें, US 30 में थोड़ी सी तेजी है लगभग, लेकिन वहीं अगर आप देखोगे US 500 में गिरावट है, US Tech 100 में गिरावट चल रही है, US Small Cap 1000 में गिरावट, 2000 में S&P 500 वीक्स में गिरावट है, यूरो के स्टॉक्स की बात की जाए तो उसमें भी 0.21% की गिरावट देखने को मिली 10 पॉइंट की। तो गाइज इसका इम्पैक्ट US की मार्केट पे, डाउजोन की मार्केट पे डेफिनेटली आज के दिन देखने को मिल सकता है। निकाई जो कि जापान का, जिसमें आज के दिन काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली, लगभग 250 पॉइंट ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हैंगसेंग देख लो उसमें गिरावट है, टॉपिक्स देख लो उसमें गिरावट है। सो मैं आपको ये कहूँगी चीज़ों को थोड़ा सा रडार लेवल पर लेकर ही इन्वेस्ट करके चलेगा। चलिए दो कंपनीज हैं जिनके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, दिवाली के तौर पर फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप इनको रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो, और अभी बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्ट करने का। सबसे पहली कंपनी है आदित्य विजन लिमिटेड में देखो गैस, एक्चुअली कंपनी ऐसी कि इनमें है ना अब तेजी देखने को मिल गई है, 553 पे क्लोज हुआ है, पिछले 5 दिन में ये लगभग 12% तक चढ़ चुका है, और आज देखोगे तो 9.5-8% तक की तेजी देखने को मिली है। 560 का सिर्फ 52 वीक हाई बनाया था, और पी रेशो आप देखो 72.72 देखने को मिल रहा है, एंड लो 215 था, तो आज ही के दिन इसने हाई बनाया 560 का, बहुत बढ़िया। गैस बता दूँ कि आदित्य विजन एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन वाली कंपनी है जो बिहार और झारखंड में ऑपरेट करती है। ये कंपनी टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप आदि सब
सारा काम करती है, इसका प्रोडक्ट बेचती है। मैक्सिमम गाइस ये 2016 में आई थी 1 रुपये 53 पैसे पे, तब से लेकर अब तक इसने 36,184% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने बहुत तगड़ा माला माल बनाया, देखिए 24,000% तक का रिटर्न। आप सोचो अगर किसी ने भी इस पे 2 रुपये के प्राइस पे था 2019 में 10,000 शेयर 10,000 क्वांटिटी लगे, मतलब 20,000 इसने बाई किए, आप ये कह लो, या आप ये कह लो 1,000 क्वांटिटी का 20,000 इसने क्वांटिटी बाई की, 20,000 रुपये लगाए, 20,000 रुपये का आज 24,000% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो 20,000 को 24,000% रिटर्न से कैलकुलेट कर लो कितना दुगना पैसा बना दिया, कितना दुगना, मतलब लगभग मैं 20,000 भी क्या, अगर 10,000 की बात करूँ तो 24 लाख बनता है, ठीक है, एंड 24 24 आप कह लो 48-50 लाख के अराउंड इसने रिटर्न ना कर दिया पिछले 5 साल के अंदर, एंड 1 साल में अगर आप देखोगे तो 129% तक का रिटर्न दे रही है। गाइस कंपनी का बिजनेस मॉडल ना बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत है, मैं आपको क्या ही बताऊं। एंड आप देखोगे ना स्टॉक पी 77 है, इंडस्ट्री पी 57, इट मीन्स अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जोन पे है, एंड ROCE 21% एंड ROE 25.3% देखने को मिलते हैं। प्लेज नहीं है, बहुत बढ़िया बात है कि इसमें कोई भी हमें प्लेज देखने को नहीं मिलता है। गैस फेस्टिवल सीजन में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड बढ़ती है, आदित्य विजन इस बढ़ती डिमांड का फ़ायदा उठा सकते हैं जिससे कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में उछाल आ सकते हैं। फिलहाल फ्यूचर की बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही मजबूत है और ये छोटे छोटे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। आने वाले समय में कंपनी और भी विस्तार कर सकती है जिससे इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। लेटेस्ट खबर ये निकल गई कंपनी का हालिया खबरों में कोई बड़ी अपडेट वैसे देखने को नहीं मिली है, लेकिन फेस्टिवल सीजन को लेकर इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग तो एज इट इज है, लेकिन FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ DI भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है, बस पब्लिक ही अपनी होल्डिंग को फ्रेम कर रही है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो 474 करोड़ का रिजर्व है, तो 319 करोड़ का इसके पास कर्जा देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आऊँ तो 100 करोड़ से अब सीधा 1991 करोड़ पे इसका सेल्स पहुँचा और 1 करोड़ से 93 करोड़ पे इसका प्रॉफिट पहुँचा है, बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। क्वार्टरली नंबर की बात की जाए 194,439,641 से अब 889 पे इसका रेवेन्यू कन्वर्ट हो चुका है। 37 से 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट पे आ गई कंपनी, मतलब एनुअली और क्वार्टरली भी नंबर बड़े शानदार देखने को मिले आदित्य विजन के। मैं आपको ये कहूँगी, देखिए अभी वैसे ओवर वैल्यूड पे, लेकिन इसको रडार लेवल पे लेकर चलिए, जैसे ही हल्का फुल्का सा इसके पी में करेक्शन देखने को मिले आपको, देखिए 100 से ऊपर होता ना तो काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे होता है, लेकिन अभी 57 इंडस्ट्री पी है, स्टॉक पी 77 है, थोड़ा सा हल्का सा आप कह सकते हो तेजी के साथ है ये, बट हल्की फुल्की भी इसमें अगर गिरावट देखने को मिलती है इसके पी रेशियो में थोड़ी सी भी, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फिलहाल तो आदित्य विजन का स्टॉक आज के दिन 9% से भी ज़्यादा भागा है, तो इसलिए जब तक करेक्शन नहीं होगा तो मैं आपको उसमें बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं देती। पहली बात है मैं रिकमेंड ही नहीं करती हूँ, आपको खाली स्टडी पर्पज से लेकर आती हूँ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि SME सेक्टर के अंदर आती है, जिसका नाम है सेलोकोर गैजेट्स। 45 रुपीज़ के प्राइस पे है और आज के दिन देखोगे तो इसमें भी नियर अबाउट 9.5% तक की तेजी देखने को मिली है। तो अब आप सोचोगे ये कब आया था, देखिए पिछले 5 साल की अगर बात की जाए तो ये लगभग आया है अभी मैं आया हालिया में, आप देखेंगे September 2023 में आया है 28 तारीख को, और अभी 28 सितंबर में इसको 1 साल हो जाएगा, तब से लेकर अब तक इसने नियर अबाउट मोटा मोटा 400% तक का रिटर्न दे दिया है। एंड अगर आप देखोगे एक महीने के अंदर इसने 51% तक का रिटर्न दिया और एक वीक के अंदर 25% तक का रिटर्न दिया, बहुत बढ़िया शानदार रिटर्न दिए। अब सेलो गैजेट्स की बात की जाए तो इसका इंडस्ट्री पे 57, स्टॉक पे 58 में ज़्यादा कुछ हाई वैल्यूशन पे नहीं मिला, मार्केट कैप 950 करोड़ का है। आदित्य विजन की बात करो तो उसका 7,192 करोड़ का था और स्मॉल कैप कंपनी आदित्य विजन, और वहीं सेलो गैजेट्स ये आपको थोड़ी सी माइक्रो कैप से भी नीचे देखने को मिलेगी। ROCE बहुत बढ़िया, बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। देखिए सेलोकोर गैजेट्स मोबाइल एसेसरीज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का निर्माण और बिक्री करती है और 2020 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। कंपनी का फोकस खासकर किफ़ायती और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पर होता है।
अगर गाइस फेस्टिवल सीजन के तौर पर देखा जाए तो फेस्टिवल सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स एक्सेसरीज की मांग बढ़ती है, जिससे सेलको और गैजेट्स के लिए भी बड़ा अवसर मिल सकता है। कंपनी इस मौके को कैश कर सकती है और जिससे इसकी सेल्स में इजाफा हो सकता है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियली काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एक्सेसरीज का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है एंड सेलेको गैजेट्स अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मार्केट पहुंच को बढ़ा रही है, जिससे इसका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। गाइस अगर लेटेस्ट खबर की बात की जाए तो कंपनी की ओर से हाल ही में कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई, लेकिन आने वाले फेस्टिवल सीजन में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च या प्रमोशनल ऑफर्स की उम्मीद की जा सकती है। दोनों ही कंपनियां गाइस अपने फ्यूचर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखती हैं, तो आप इनको डाल ऐप लेकर चल सकते हो। लेकिन सेलेको गैजेट्स की बात की जाए, इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग एचडीएफसी बनी हुई है, और यहाँ पर अफाइन ने थोड़ा सा माल बेचा, जिससे आप ये कह लो डीआई ने भी माल बेचा और माल खरीदा है अब पब्लिक ने, मतलब एफआई और डीआई ने माल बेचा तो पब्लिक ने माल खरीद लिया, जैसे कि बहुत ताक पे बैठी होगी। बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व 69 है और बोरोइंग 75 करोड़ को देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है रिजर्व से। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो 2021 में कुछ भी सेल्स नहीं थी, 2022 में 121 हुई, 264 और 500 करोड़ पर इसका रिवेन्यू पहुंच गया है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी 2 करोड़ 8 करोड़ से अब सीधा 16 करोड़ में पहुंच के बहुत शानदार नंबर देखने को मिले हैं। क्वार्टरली नंबर की बात करूँ तो वो भी 114 से अब 291 करोड़ पर रिवेन्यू पहुंचा, हाफ ईयरली नंबर ये आउट करता है एंड नेट प्रॉफिट 3 से सीधा 9 करोड़ पर पहुंचा। तो गाइस मैं आपको ये कहूँगी कि नंबर्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और देखिए कंपनियाँ भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हल्का फुल्का देखो ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन आप इनको आगे कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी गाइस एज ऑलवेज आई सेड खुद से स्टडी करो, चेक करो द इन्वेस्टर्स, चैनल पर नए हो तो लाइक पे करना मत भूलो। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।